हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस के एग्जाम की डेट आ चुकी है। चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या दूसरे सब्जेक्ट हो, सबके लिए एग्जाम की डेट आ चुकी है। सिर्फ कुछ पोर्शन छोड़ा है जिनके लिए उन्होंने एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं की है। आज आप देख सकते हो यहाँ पर 2/9/2019 को आज ये एग्जाम की डेट अनाउंस हुई है। दिन में वेबसाइट पर आई थी, पूजा मैम ने आपके लिए दिन में लाइव वीडियो बनाकर आपको बता दिया था, लेकिन वो उस समय कहीं आउट ऑफ स्टेशन थे और मैं उस समय क्लास में था, इसलिए आप लोगों को सिर्फ लाइव वीडियो से बताया गया। अब आपको पूरे एग्जाम शेड्यूल और उसकी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले, हम ही एकमात्र ऐसा चैनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिन्होंने आपको ये बताया था कि एनवीएस की जो एग्जाम डेट है, वो जो टेंटेटिव एग्जाम डेट दी है 5 से 10 सितंबर, उसके बीच में एग्जाम नहीं होना है। बहुत से कोचिंग वाले, बहुत से यूट्यूब चैनल वाले या काफी सारे न्यूज़पेपर वाले भी 5 से 10 सितंबर बार बार बता रहे थे, लेकिन उस समय मैंने आपको फैक्ट दिए थे कि जिस तरीके की एग्जाम की लास्ट डेट पोस्टपोन हुई है, उसी तरीके से आपकी एग्जाम की डेट भी पोस्टपोन होगी। हर हालत में पोस्टपोन होने वाली थी, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये आज की डेट में आपके लिए आया है। इससे पहले एक और बताऊं कि सितंबर और अक्टूबर में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है या जिनका एग्जाम होने वाला है, उनकी वीडियो भी मैंने दिन में डाली थी, उसमें भी देख लेना कि आप 1-2 महीने में कौन सी टीचिंग एग्जाम को फेस करेंगे। इसमें आप देखिए, ये नवोदय विद्यालय का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल है। यहाँ पर इसका हेड ऑफिस है, B15 इंस्टीट्यूशन एरिया सेक्टर 62 नोएडा गाजियाबाद के अंदर। इसमें नवोदय विद्यालय समिति के अकॉर्डिंग ये डेट शीट आई है। इसमें आप लोग नोटिस देख सकते हैं, शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहली चीज सबसे जरूरी इसमें रखी गई है कि ये एग्जाम जो होगा आपका, ये एग्जाम आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे आप लोग ऑनलाइन एग्जाम कह सकते हैं। किसके लिए? असिस्टेंट कमिश्नर के लिए होगा ये, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, लीगल असिस्टेंट के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए और एलडीसी क्लर्क के लिए। अब इसमें एक और मैं आपको थोड़ा और दिखाऊंगा। नवोदय विद्यालय समिति है नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट एम्प्लॉयड न्यूज 6/12/2019, यानी 6 से 12 जुलाई 2019 के बीच में जो ये न्यूज आई थी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये सारे का सारा डिटेल है। अब यहां पर देखिए, एलडीसी क्लर्क के लिए जो एग्जाम है वह 16/9/2019 को होगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। यानी एलडीसी क्लर्क के लिए जो एग्जाम होना है वो इन्होंने तीनों शिफ्ट में लेने का फैसला किया है, 1, 2, 3। एलडीसी क्लर्क का सिर्फ 16 तारीख को एग्जाम आपका होगा। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी वालों के लिए। पीजीटी हिंदी का 17 सितंबर को होगा और शिफ्ट 1 में एग्जाम होगा। पीजीटी हिस्ट्री भी 17 सितंबर को ही है, ये भी शिफ्ट 1 में है। पीजीटी मैथमेटिक्स ये भी 17 सितंबर को है, ये भी शिफ्ट 1 में है। पीजीटी कॉमर्स भी 17 सितंबर को है, ये भी शिफ्ट 1 में आपका है। पीजीटी बायोलॉजी की बात करेंगे तो ये भी 17 सितंबर को है, लेकिन ये आपका शिफ्ट नंबर 2 में है, शिफ्ट नंबर 2 में। पीजीटी इंग्लिश 17 सितंबर है, लेकिन शिफ्ट नंबर 2 यहां भी है। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करेंगे तो है तो 17 सितंबर को, लेकिन ये भी शिफ्ट 2 में है। और पीजीटी ज्योग्राफी का भी 17 सितंबर को, शिफ्ट नंबर 2 में है। यहां पर देखिए आप लोग, अगर स्टार्टिंग में देखेंगे, स्टार्टिंग के जो आपके 4 पीजीटी सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपके लिए हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कॉमर्स है, ये शिफ्ट 1 में है 17 तारीख को। लेकिन अगले 4 सब्जेक्ट, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, ये चारों के चारों सब्जेक्ट जो है तो इनका 17 को ही एग्जाम, 17 सितंबर को, लेकिन शिफ्ट 2 इसमें रखा गया है। उसके बाद अगर आगे बात करेंगे हम, 17 तारीख के लिए आपकी ये डेट फिल हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे टीजीटी वालों की। टीजीटी में आपका हिंदी टीजीटी जो है वो 18 सितंबर को शिफ्ट 1 में है। टीजीटी मैथ जो है वो 18 सितंबर को शिफ्ट 1 में है। टीजीटी एसएसटी वाले बच्चों का है तो 18 सितंबर, लेकिन शिफ्ट नंबर आपके लिए 2 रखा गया है। टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए 18 सितंबर है, लेकिन शिफ्ट नंबर 2 है। टीजीटी साइंस वालों के लिए 18 सितंबर तो है, लेकिन शिफ्ट नंबर यहां पर भी 2 है। यानी 18 तारीख को जो एग्जाम होंगे वो 5 सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें शिफ्ट 1 में आपका हिंदी और मैथमेटिक्स होगा और शिफ्ट 2 में आपका एसएसटी, इंग्लिश और साइंस रहेगा। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट आपके पीजीटी के बच जाते हैं। पीजीटी कंप्यूटर का 19 सितंबर को एग्जाम होगा, शिफ्ट 1 के अंदर।
पीजीटी फिजिक्स आपका 19 सितंबर को होगा शिफ्ट एक में, और पीजीटी इकोनॉमिक्स भी आपका 19 सितंबर को होगा लेकिन ये भी आपका शिफ्ट एक में रहेगा। यानी पीजीटी कंप्यूटर फिजिक्स और इकोनॉमिक्स ये 16 तारीख और 17 तारीख के जोन को छोड़कर के आपके 19 तारीख को ये दोनों के दोनों आपके तीनों के तीनों आपके सब्जेक्ट का एग्जाम शिफ्ट एक में रहेगा। अगर शिफ्ट दो की बात करें 19 तारीख में तो फीमेल स्टाफ नर्स और कैटरिंग असिस्टेंट ये दोनों आपका शिफ्ट दो में है और 19 सितंबर को आपका एग्जाम इनका होना है। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करेंगे तो 20 सितंबर को शिफ्ट वन में है और लीगल असिस्टेंट जो है वो 20 सितंबर को शिफ्ट वन में है। ये कुछ सब्जेक्ट आपके लिए यहां पर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ सब्जेक्ट आपके और बचे हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग हालांकि मिसलेनियस वालों का अभी नहीं आया है लेकिन टाइमिंग की बात करेंगे तो किस टाइमिंग पर आपको पहुंचना है और क्या शिफ्ट टाइमिंग दिया गया है। शिफ्ट वन की जो टाइमिंग है यहां पर आपको दिखा दूं मैं, शेड्यूल डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहां पर 16 सितंबर है, यहां पर 17 से 19 सितंबर की बात है और यहां पर 20 सितंबर की है। 16 सितंबर के लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है शिफ्ट वन का 7 बजे है, शिफ्ट टू का 11:30 बजे है और आपका ये बोर्ड वालों ने यहां पर गड़बड़ कर रखी है, बहुत कम लोग इस चीज को नोटिस करते हैं। देखिए शिफ्ट वन का 7:30 बजे पूरे 7 बजे मॉर्निंग में है और यहां पर शिफ्ट टू क्या किया इन्होंने 11:30 PM कर दिया। भाई रात को 11:30 बजे कौन एग्जाम लेगा, कहां की रिपोर्टिंग करोगे, तो ये बोर्ड ने गलती की है। यहां पर 11:30 PM की बजाय 11:30 AM होना चाहिए और शिफ्ट थ्री जो है वो आपका 3 PM हो जाएगा, ये भी आपको देख लेना है। अगर 16 सितंबर में दूसरे गेट क्लोजिंग की टाइम जहां तक है 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा मॉर्निंग वाले शिफ्ट का, दोपहर वाली शिफ्ट का जो है वो शिफ्ट टू का वो 12:30 बजे हो जाएगा और शाम वाली शिफ्ट का जो इवनिंग में है वो 4:30 बजे आपका गेट क्लोज का टाइम इन्होंने दिया है। 17 सितंबर में रिपोर्टिंग टाइम आपका 7:30 AM है वन शिफ्ट का और शिफ्ट टू का आपका 12:30 बजे है। 17 से 19 में आपकी दो ही शिफ्ट हैं, गेट क्लोज 9 और 12 दो के हिसाब से होगा। 20 सितंबर को जो आपका एग्जाम है उसमें आपके लिए सिर्फ एक ही शिफ्ट रखी गई है, रिपोर्टिंग आपको शिफ्ट वन में 7:30 बजे और गेट क्लोज आपका 9 बजे। ये कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर देख लेनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर रही, एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी आधार के ऊपर होगा जिसमें आप लोगों को ई एडमिट कार्ड के ऊपर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एग्जाम टाइम से पहले आपको पहुंचना है, वो सारी चीजें आपको बताई है। एडमिट कार्ड में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जल्दी ही आप लोगों के लिए एनवीएस की साइट के ऊपर एडमिट कार्ड की सारी चीजें मिलेंगी। आपको ईमेल के ऊपर लिंक मिल जाएगा या बोर्ड की तरफ से मैसेज आएगा, लिंक आएगा जिसमें मेल के थ्रू आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। नॉन रिसीप्ट ऑफ ई एडमिट कार्ड डिस्क्रिपेंसी इफ एनी ई एडमिट कार्ड शुड बी रिपोर्टेड टू एनवीएस टोल फ्री हेल्प। जिनको प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड में वो आएगी, वो बच्चे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या एनवीएस को इस मेल आईडी पर वो मेल भी कर सकते हैं। कब तक आप लोग 6 सितंबर के बाद। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शनसी अगर कोई नाम में कोई प्रॉब्लम है, मिस्टेक हुई है, डेट ऑफ बर्थ में हुई है, फोटोग्राफ में हुई है, सिग्नेचर में हुई है, कैटेगरी में हुई है, सब कैटेगरी में हुई है, तो आप लोग ई एडमिट कार्ड के ऊपर अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें आप लोग आपको लगता है कि गलती हुई है तो 15 सितंबर को आप लोग 10 से 2 बजे के बीच में ये ठीक कर सकते हैं। एनवीएस की साइट पर आपको मौका दिया जाएगा, हालांकि 1-2 दिन में पूजा मैम आपको लिए अलग से वीडियो डालेगी जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आपको एडिटिंग करनी है। शेड्यूल जो है एग्जामिनेशन का वो आपको बता दिया गया है, लेकिन आर्ट टीचर की बात करें, म्यूजिक की बात करें, लाइब्रेरियन की बात करें, फिजिकल एजुकेशन की बात होगी तो फिर उनका अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, उनके एग्जाम के बारे में भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, जल्दी ही आपके लिए भी शेड्यूल आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चैनल के साथ बने रहिए। 8 4 4 1 0 1 0 1 0 ये भी जीरो, भाई थोड़ा राइटिंग में ये कर्सर चल नहीं रहा ठीक से इसका, 1 0 और 8 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है मेरा। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कोशिश करें, कॉलिंग का टाइम नहीं होता क्लासेस में। 8 4 4 1 0 1 0 8। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तैयारी आप अच्छे से करें, स्टडी मटेरियल सारी चीजें हम आप लोगों को ऑलरेडी देते हैं, सबकी वीडियो क्लास आपकी शुरू हो चुकी लाइव सेशन, धन्यवाद।